2.2 का दूसरा का चौथा नंबर बताने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला क्लास में हम लोग दूसरा का पहला दूसरा तीसरा हम लोग कर चुके हैं, तो तीसरा चौथा आज शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, किसी पर सवाल रिकॉल करते हैं, क्या बोलता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई, मतलब योग एक हो जाएगा और गुणनफल क्या हो गया, एक। योग मतलब हम लोग पढ़े ना अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। देन हाउ टू गेट द आंसर, कैसे आंसर लेंगे। हम बताए थे आप लोग को कि ये जो अल्फा अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दो शून्यांक दिया हुआ है, मतलब शून्यांक नहीं है कि ये अल्फा और बीटा है, हाँ बोल सकते हैं आप शून्यांक है, तो शून्यांक दिया हुआ है, तो क्या लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आपको लाना है। मतलब ए बी और सी के रूप में क्या करना है, संख्या फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए हल में बहुत आसान है, हल में क्या कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा, पहले योग बोला है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला में बी बाय क्या होता है, बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए बराबर क्या होगा, एक। एक मतलब क्या होगा, एक बटे क्या हो गया, एक। फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, देन क्या करोगे, सी का वैल्यू भी सी बाय ए मतलब एक बटे क्या हो गया, एक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू एक और ए का वैल्यू क्या है, एक है, मतलब हमारा बराबर है, ए का वैल्यू एक, ए का वैल्यू एक, बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस डाल दिए, बी का वैल्यू माइनस वन, सी का वैल्यू वन, तो ए बी और सी मिल गया ना, तो क्या लिखिएगा, चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या करिएगा, ए का वैल्यू आप क्या डालेगा, वन, वन तो नहीं लिखते, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि b का माइनस वन है, एक को नहीं लिखते हैं तो x हो जाएगा, प्लस c, c का वैल्यू क्या है, वन, तो एक हो गया बराबर जीरो। साइन को ठीक कर दीजिए, x square plus minus minus x plus one equal to zero, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ना आप इस फॉर्म में आए, a x square plus bx plus c, तो आप देख रहे हैं a x square plus bx plus c equal to zero, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह का ये गणित बनेगा, हम लोग एक नंबर सॉरी पहला दूसरा तीसरा बना चुके हैं, तो ये चौथा, मैं उम्मीद करूं आपको आराम लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा का पांचवा, चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा का पांचवा नंबर, क्योंकि चौथा हल कर लिए। क्या कहता है, योग क्या है, माइनस वन बाय फोर और गुणनफल वन बाय फोर, बस आप योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो हल में क्या करेंगे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाउ मच, बी बाय माइनस बी बाय ए, यही फॉर्मूला है। अब बी का वैल्यू आपके पास क्या, देखिए माइनस वन बाय फोर, माइनस वन ए का माइनस सॉरी बी का वैल्यू माइनस वन और ए का वैल्यू फोर, तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला का माइनस, फिर आपका ये माइनस कहां से, क्वेश्चन से, ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस शुरू वाला माइनस कहां से, ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये वाला हो गया, नीचे क्या है फोर, तो ए का वैल्यू फोर, बी का वैल्यू क्या है माइनस माइनस वन, तो इसको हल कर दीजिए एक बार, माइनस माइनस प्लस मतलब एक बटे क्या हो गया चार। उसी प्रकार आप सी सॉरी अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा देन सी बाय ए, फिर भी क्या है वन बाय फोर, देखिए इंटू गुणनफल क्या है वन बाय फोर, वन बाय फोर कुछ नहीं करना है इसको, तो आप ए का वैल्यू चार, ए का वैल्यू चार, गणित सही है, कुछ नहीं करना है, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, देन यहाँ आप लिख सकते हैं ए का वैल्यू क्या है चार, तो लिख दिए चार एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू वन, वन नहीं लिखते हैं केवल एक्स लिख देंगे, प्लस सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर वन ना, तो लिख दिया वन इक्वल टू जीरो, यही तो आपका क्या बन गया आंसर। बहुत मजेदार है, बस आप रूट को फोकस करो, बहुत आसान है, बस ए ए को बराबर कर देना है, गणित चुटकियों में बन जाएगा। चलिए दूसरा का अंतिम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा का अंतिम छठा नंबर, क्या बोलता है, चार और एक, मतलब दो संख्याओं दो शून्यांकों का योग कितना है चार और गुणनफल कितना है एक, मतलब अल्फा प्लस बीटा चार, अल्फा इंटू बीटा वन, तो जैसे पहले किए थे उसी प्रकार हर में क्या करें, बहुत आसान कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा में क्या आ जाएगा माइनस बी बाय ए बराबर माइनस फॉर्मूला से, यहाँ पर तो देखिए फोर है मतलब
फोर, फोर कुछ नहीं है नीचे, वन कर दीजिए, फिर अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए आप, तो क्या कर दीजिए सी बाय ए, तो सी का वैल्यू कितना जो भी हो वन बाय वन हो जाएगा ना, वन है लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं ना जी, तो यहाँ वन, यहाँ चार था तो चार बटे एक, ये माइनस कहाँ से फॉर्मूला से, तो ए वन, ए वन सही है, बी बराबर माइनस फोर, सी बराबर वन, तो क्या करेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए का वैल्यू कितना है वन, तो नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया, बी का वैल्यू क्या है माइनस फोर, तो माइनस फोर एक्स एक बार फिर चिन्ह के साथ प्लस सी, सी का वैल्यू क्या है ना देखिए वन इक्वल टू क्या जीरो, आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, आपका मैथमेटिक्स फिनिश। बहुत आसान चुटकियों में गणित बन रहा है, देखिए बहुत आसान, बस इसका रूल एंड ऑपरेशन देखिएगा, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये गणित में क्यों बनेगा, तो मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो यदि आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर लाइक बटन दबा दें, क्योंकि एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं, उम्मीद करूं समझ में आ रहा होगा, और इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, कभी कभी मैं अपलोड नहीं हो पाता है जिसके चलते मैं नहीं कर पाता हूँ, नेट का प्रॉब्लम है, हो सके मैं अभी रांची से लौटूंगा तो फिर घर में थोड़ा सा मेरा अच्छा सुविधा मिल जाए तो अपलोड हो जाएगा, उसको नोट देख लीजिएगा, कहाँ उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहता है उसमें जरूर घुसिएगा, मिल जाएगा आपका नोट, तो मिलते हैं नए क्लास में, जय हिंद।